Dear students, today I am going to tell you a story, and the title of the story is The Foolish Master. I will read it for you, and then in the end, I will translate it into Urdu for you. So, let us start. The Foolish Master A hunter had a beautiful hound. Who always went hunting with him? The faithful dog was a thick friend of the hunter's only son, who loved to play with the dog. The master also loved the hound for its friendship with his young son, who was only 10 years old. The master of the house had no one else in the house. One day, the hunter went out for hunting but forgot to take the hound with him. His son was still asleep in his bed. As he reached the edge of the forest, he found that he had forgotten to bring the hound with him. He decided to go back. And bring the hound. He came home but was shocked to see his hound all blood stained standing at the gate. The hunter thought that the hound had killed his son. He whipped out his sword and killed the hound. He quickly walked into the house and saw. Blood pools here and there. Just then, he saw his son coming out of his room. The boy told his father how a wolf had come into the house and was about to kill him when the hound pounced upon it and tore it into pieces. The hunter began to cry at his haste in killing the faithful creature. Moral Haste makes waste. Now, the translation of this story into Urdu. The foolish master, foolish ka bevkoof, master ka malik aka, to malik. A hunter had a beautiful hound. हु ऑलवेज वेंट हंटिंग विद हिम एक शिकारी के पास एक बहुत खूबसूरत शिकारी कुत्ता था जो हर वक्त और हमेशा उसके साथ शिकार पर जाता था हंटर शिकारी और हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता द फेथफुल डॉग वॉज अ थिक फ्रेंड ऑफ द हंटर्स ओनली सन हु लवड टू प्ले विद द डॉग वो वफादार कुत्ता उस शिकारी के अकलौते बेटे का बहुत गहरा दोस्त था और उस कुत्ते के साथ खेलना उसे बहुत पसंद था फेथफुल का मतलब होता है वफादार द मास्टर ऑल्सो लव हाउंड फॉर इट्स फ्रेंडशिप विद इज यंग सन वो मालिक भी उस वफादार कुत्ते से उस शिकारी कुत्ते से बहुत खुश था कि उसकी दोस्ती उसके बच्चे से है उसके बेटे से है हु वॉज ओनली टेन यर्स ओल्ड जिसकी उम्र सिर्फ दस साल थी द मास्टर ऑफ द हाउस हैड नो वन एल्स इन द हाउस उस घर के मालिक के, के अलावा उस घर में कोई और नहीं रहता था वन डे द हंटर वेंट आउट फॉर हंटिंग एक दिन वह शिकारी शिकार के लिए गया बट फॉर गाट टू टेक द हाउंड लेकिन अपने साथ शिकारी कुत्ते को ले जाना भूल गया हिज सन विल अप इन हिस्स बैड उसका बेटा अभी तक अपने बिस्तर पर सोया हुआ था एज ही रीच द एज ऑफ द फॉरेस्ट जब वो जंगल के किनारे पहुंचा ही फाउंड दैट ही हैड फॉर गटन टू ब्रिंक द हाउंड विद हिम तो उसने महसूस किया कि वो अपने साथ शिकारी कुत्ते को लाना भूल गया है ही डिसाइडेड टू गो बैक एंड ब्रिंक द हाउंड उसने फैसला किया कि वापस घर जाए और शिकारी कुत्ते को लेकर आए ही केम होम वो घर आया बट वाज शॉक टू सी हिज हाउंड ऑल ब्लड स्टैंड स्टैंडिंग एट द गेट लेकिन उसे बहुत सदमा पहुंचा जब उसने देखा कि उसका शिकारी कुत्ता खून से तर बतर ख़ून से लुथड़ा हुआ गेट पर यानि दरवाजे पर खड़ा हुआ है यानि उसके जिसम पर खून ही खून लगा हुआ था दंटर थाट दैट द हाउंड हैड केल्ड हिज सन शिकारी ने सोचा कि इस शिकारी कुत्ते ने ज़रूर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है मार डाला है ई विप्ड आउट हिज सोट एंड केल्ड द हाउंड उसने जल्दी से तलवार लहराई और अपने शिकारी कुत्ते को कत्ल कर डाला मार डाला विपड out का मतलब है तलवार को चलाया सोड का मतलब है तलवार ही क्विकली walked इन टू द हाउस वो जल्दी से घर में पहुंचा, वो जल्दी से चलकर घर में गया एंड सॉ ब्लड पूल्स हीयर एंड देयर और उसने इधर उधर खून बेशुमार खून बहुत सा खून देखा जस्ट देन इज सा हिज सन कमिंग आउट ऑफ हिज रूम एंड उसी लमे उसने अपने बेटे को अपने कमरे से बाहर आते हुए देखा द बोय टोल्ड इज फादर लड़के ने अपने वाले को बताया हाउ आ वुल्फ हैड कम इन टू द हाउस कि किस तरह एक भेड़िया उनके घर आ गया था को मतलब भेड़िया एंड वॉज अबाउट टू किल एम और वो उसे यानी लड़के को मारने ही वाला था वेन द हाउंड पाउंसाउन इट जब इस शिकारी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया एंड टोर इट इंटू पीसेज और उसे चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया द हंटर बिगैन टू क्राई एट इज़ हेस्ट इन किलिंग द फेथफुल क्रिएचर वो शिकारी अब रोना चिल्लाना उसने शुरू कर दिया कि उसने एक वफ़ादार मखलूक को कत्ल करने में क्यों जल्दी की फेथफल का मतलब वफ़दा की चर मखलूक हेस्ट का मतलब जल्दी तो इस स्टोरी इस स्टोरी का मॉरल है हेस्ट मेक्स वेस्ट जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दी में काम बिगड़ जाता है थैंक यू सो मच